आ जाओ। बाबा मसरूफ तो नहीं थे आप? नहीं बोलो। एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बाबा आप दादा बनने वाले हैं। क्या वाकई? भैया सर बहुत बहुत मुबारक हो, और नाजी तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। वाह शुक्रिया ताया अबू। बाबा शहजीन कहाँ है? उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है, आखिर वो फुप्पो बनने वाली है। वो अपने कमरे में है, सारे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। अच्छा चलो मैं उसे बुलाता हूँ। आप बुला लें, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अब कोई काम नहीं करने आपने। अब डॉक्टर्स ने कहा है आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं शहजीन से कहता हूँ, वो खाना लगा देगी। शहजीन की तबीयत ठीक नहीं है बाबा। अब इतनी भी क्या खराब होगी उसकी तबीयत कि वो खाना भी ना लगा सके। नाजी ने पहले ही सारा दिन काम किया है, इसे आराम की जरूरत है। बेटा लेकिन खाना तो शहजीन ने बनाया है सारा दिन काम करके। नहीं तायबू, खाना तो मैंने बनाया है, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? खाना तो मैंने बनाया है ना, और मैं सारा काम करके अपने रूम में गई थी। लो भाई अब तुम भी मुझे झूठा बना दो। सारा दिन काम कर करके मैं मर गई और अब तुम क्रेडिट लेना चाहती हो? हाँ हाँ ठीक है, तुमने बनाया है, ठीक है अब तुम लगा भी दो खाना। नाजी गलत बात मत करो, मेरी शहजादी झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ मैं ही तो झूठी हूँ, सारे इल्जाम आप मुझ पर डाल दें। आजकल तो आपको मेरी हर बात बुरी लगती है, झूठी लगती हूँ मैं आपको। नाजी रिलैक्स रिलैक्स। शहजीन तुम्हें क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ हो रही है? तुम अपना घर तो बर्बाद कर चुकी हो, हमें खुश रहने दो, जाओ जाकर खाना लगाओ, जाओ। शहजीन शहजीन बेटा तुम आओ बहुत ध्यान से आओ, आराम से आओ। देख लिया तुमने क्या हो रहा है इस घर में? आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल बेमोल वफा। शहजीन बेटा दरवाजा खोलो बेटा, बेटा मैंने तुमसे बात करनी है। शहजीन बेटा, शहजीन बेटा दरवाजा खोलो, बेटा मैंने तुमसे बात करनी है। शहजीन बेटा ऐसी है झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। ऐसी है झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता बेमोल वफा।